हेलो गाइस, आज हम आपको आलू की पकौड़ियाँ बनाना सिखाएंगे। आलू की पकौड़ियाँ कैसे बनाते हैं, तो देखिए, हमने बारीक कटे हुए आलू गोल आकार में काटे हैं बारीक बारीक करके, और कुछ बेसन लिया है। देखिए, अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में जो हमने बारीक आलू काटे हैं उनको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चम्मच हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देना है, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी हम मिला देंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो। तो देखिए गाइस, हमने बेसन, आलू, प्याज, हरी मिर्च, नमक और मिर्च पाउडर सब एक साथ इसमें मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट हम इसे ऐसे रखेंगे, और अपनी कढ़ाई में तेल डालकर गैस पर रख देंगे। अब हमारा ऑयल धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें छोटी छोटी आलू की पकौड़ियाँ तेल में डालते रहेंगे। तो देखिए कैसे अब हम अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चटपटी पकौड़ियाँ बनाते हैं। हमने कढ़ाई में तेल डालकर रख दिया है, जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा हम इसमें पकौड़ियाँ तलना शुरू कर देंगे। एक फ्लेम पर हमने चाय बनी रख दी है, अब हम चाय और पकौड़ी का एक साथ आनंद लेंगे। चाय बनकर तो हमारी रेडी हो चुकी है, बस हमारा जो काम है पकौड़ियाँ बनाने का है, जो अब हम स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, ऑयल हो चुका है, हम धीरे धीरे अपनी आलू की पकौड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। छोटी छोटी पकौड़ियाँ तेल में डालते रहेंगे और अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। हम पकौड़ियाँ किसी भी वक्त आसानी से बना सकते हैं घर पर अपने, गाइस इनमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है बनाने में, हम किसी भी वक्त अपने घर पर आराम से इनको बना सकते हैं और चाय के साथ ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, दोपहर में किसी भी वक्त जब भी आपका मन करे तभी हम कुछ ही टाइम में पकौड़ियाँ घर बना सकते हैं और इन्हें चाय के साथ खा सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पकौड़ियाँ डाली है, धीरे धीरे कलछे की सहायता से हम इन्हें पलट लेंगे, जिससे कि यह दोनों साइड से अच्छे से सीख जाए। तो गाइस, हमारी पकौड़ियाँ दोनों से सीख चुकी है, फ्राई हो चुकी है, देखिए अच्छा कलर है। अब हम इनको कलछे की सहायता से किसी पैन में निकाल लेंगे। देखिए, तो देखिए गाइस, हमारी पकौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और हमारी चाय भी बिल्कुल तैयार है। अब हम चाय के साथ पकौड़ियों का आनंद लेंगे। आप भी गाइस, अगर आपको कभी भी पकौड़ी खाने का मन करता है तो आप किसी भी वक्त बहुत छोटे से समय में आप अपने घर पर पकौड़ियाँ बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आएगी, हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।